हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्पोर्ट गुरु जी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस मैच की बात करने वाले हैं वो मैच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच, जो कि दिल्ली और सौराष्ट्र के बीच में कल सुबह 10 बजे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सूरत पर मैच खेला जाने वाला है। वहीं अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर हम आपको काफ़ी कुछ अपडेट कराते रहते हैं, चाहे टॉस से रिलेटेड हो, प्लेइंग 11 को लेकर हो, या दोनों ही टीमों की तरफ से जो भी इन्फो आता है सबसे पहले आपको हमें वहीं पर सेंड कर देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लिंक काम नहीं करता तो आप टेलीग्राम पर जाकर रॉयल स्पोर्ट गुरु जी सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर हमारा चैनल दिख जाएगा, आप वहाँ से भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से इन दोनों ही टीमों का पिछला मुकाबला देखोगे तो दिल्ली अपने जो पिछला मैच 8 विकेटों से जीत कर आया है, जहां पर फ्रेंड ध्रुव शौर्य के 27 नबाद थे, राणा के 20 नबाद थे, पवन नेगी ने 3 विकेट निकाले थे और ललित यादव ने 1 विकेट निकाले थे। वहीं आप यहां सौराष्ट्र का पिछला मैच देखोगे तो सौराष्ट्र में जो पिछला मैच गुजरात से खेला था, जहाँ पर सौराष्ट्र ने गुजरात को 57 रन से हरा दिया था, जिसमें फ्रेंड डी जडेजा के 59 थे, जो कि 1 डाउन आकर काफ़ी अच्छे ताबड़तोड़ अर्धशतक जमाए थे। व्यास ने 55 बनाए थे, सेल्डन जैक्सन के नबाद 57 थे और जयदेव नाटकत ने 3 विकेट निकाले थे। ये कुछ प्लेयर फ्रेंड दोनों ही टीम की तरफ से जिन्होंने अपने पिछले मैच में अच्छा किया हुआ है। ये जो पिच है फ्रेंड्स काफ़ी द हेल्प करता है बैट्समैन को, इसलिए आप जो है बैट्समैन को ज़्यादा लीजिएगा, हो सके तो किसी बैट्समैन को ही अपना कैप्टन या वाइस कैप्टन बना दीजिएगा। पिछले 3 T20 मुकाबले की बात करें तो जो एवरेज इनिंग रहा 148 का रहा है, और जो भी टीम फ्रेंड्स सेकंड बैटिंग है वो 3 बार जीत चुकी, मतलब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी आसानी से चेस हो जाते हैं। इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगा वो फर्स्ट फील्डिंग करने का फैसला ले सकता है। बाकी आपको हमारे टॉस अपडेट अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। अभी तक फ्रेंड्स इन दोनों ही टीमों ने एक भी हेड टू एनकाउंटर खेला नहीं है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, इसलिए इनका कोई भी इन्फो नहीं है। तो डायरेक्ट यहां से आते हैं हम अपने चैनल के इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जो कि 5 स्टार प्लेयर को लेकर कौन से 5-5 प्लेयर दोनों ही टीमों की तरफ से जो लगातार अच्छा करके आए हैं और आपको इस वाले मैच में भी अच्छा करके देने वाले हैं। दिल्ली की तरफ से ध्रुव शौर्य है, नीतीश राणा है, पवन नेगी हैं, ललित यादव हैं और ए रावत हैं। वहीं सौराष्ट्र की टीम की तरफ से देसाई हैं, व्यास हैं, उनादकट हैं, डी जडेजा हैं और सेल्डन जैक्सन हैं। कोशिश कीजिएगा कि इन 10 में से करीब 9 प्लेयर इस वाले मैच में आपकी स्मॉल लीग की टीम में जरूर हों। अगर आप यहां से टॉप फैंटेसी पिक्स देखोगे तो फ्रेंड दिल्ली की तरफ से ललित यादव हैं, यश भाती हैं। ललित यादव की बात करें, पिछले सीजन में 9 मैच खेले थे, 162 रन बनाए थे और इनका जो एवरेज रहा था 32 का रहा था। ये आपको बॉल के साथ भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देख सकते हैं। पिछले मैच उन्होंने 1 विकेट भी निकाली थी बॉल के साथ। वहीं यश भाती फ्रेंड्स पिछले सीजन 9 मैच खेले थे, 15 विकेट निकाले थे और 7.65 इकोनॉमी से बॉलिंग किया था। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो आप यहाँ से यश भाती को पिक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बाकी पवन नेगी भी काफ़ी अच्छे बॉलर, पिछला से इनका भी काफ़ी अच्छा गया था। वहीं सौराष्ट्र की टीम की तरफ से सेल्डन जैक्सन है, जिन्होंने पिछले सीजन 10 मैच खेले थे, 176 रन बनाए थे और 29 का इनका जो एवरेज रहा था। वहीं फिर जयदेव उनादकट पिछले सीजन 10 मैच खेले थे, 17 विकेट इन्होंने निकाले थे। यहाँ पर जो मेन बॉलर रह जाते हैं ग्रैंड लीग के लिए वो एक तो यश भाती हैं दिल्ली की तरफ से और दूसरा सौराष्ट्र की तरफ सकरिया हैं। ये ऐसे दो प्लेयर्स हैं जो लगातार विकेटें निकाले हैं अपने टीमों के लिए, चाहे इस सीज़न हो या पिछला सीजन हो। तो आप जो है इन प्लेयर को अपने ग्रैंड लीग की टीम में शामिल करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ से पॉसिबल 11 देखोगे दिल्ली की टीम की तरफ से तो फ्रेंड्स अभी तो कोई कंफर्म न्यूज नहीं है शिखर धवन को लेकर। मेरे हिसाब से 60% चांस है कि शिखर धवन आपको इस वाले मैच में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी इनके बारे में कोई भी न्यूज आता है तो हम आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, इसलिए आपका हमारे टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर पॉसिबल 11 देखोगे तो आपको अनुज रावत और एस दलाल ओपनिंग करते दिखाई देंगे। अगर शिखर धवन आते तो आपको यहाँ से एस दलाल बेंच पर बैठते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी ध्रुव शौर्य है, नीतीश राणा, हिम्मत सिंह है, ललित यादव हैं, पवन नेगी हैं, भिदुरी हैं, भाती हैं, डगर हैं और विजयारण हैं। मेरे हिसाब से यही पॉसिबल आपको दिखाई देने वाला है दिल्ली की टीम की तरफ से। वहीं फ्रेंड्स अगर आप यहां सौराष्ट्र का पॉसिबल 11 देखोगे तो सौराष्ट्र टीम की तरफ से आपको देसाई और परमर ओपन कर दिखाई देने वाले हैं। बाकी व्यास हैं, वसुधा हैं, सेल्डन जैक्सन हैं। वहीं हाजरिंग करने के लिए जडेजा को ऊपर प्रमोट किया जाता है, लेकिन फिलहाल जो मेन पोजीशन 6ठे नंबर पर ही है।
बाकी सकरिया हैं, सीजानी है, उनाटकट है, चौहान है और जीवा रंजनी है। मेरे हिसाब से यही पॉसिबल रहने वाला है सौराष्ट्र की टीम की तरफ से। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप इस वाले मैच में स्मॉल लीग में किसी को कैप्टन वाइस सेट में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इन्हीं चार में से किसी दो के साथ जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हीं चार में से किसी दो को अपना कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने वाले हैं, जिसमें दिल्ली की टीम की तरफ से ध्रुव शौर्य और नीतीश राणा है, वहीं सौराष्ट्र की टीम की तरफ से एस बी आसे और सेल्डन जैक्सन है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपका भी जो कैप्टन वाइस कैप्टन हो इन्हीं चार में से कोई दो हो। वहीं अगर ग्रैंड लीग खेलते हैं छह टीम के साथ तो आप इन प्लेयर को ग्रैंड लीग की टीम में शामिल करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हो सके तो इन छह में से किसी एक या दो को अपने किसी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना दीजिएगा, जिसमें दिल्ली की टीम की तरफ से पवन नेगी हैं, ललित यादव हैं, एस दलाल हैं, वहीं सौराष्ट्र टीम की तरफ से उनाटकट हैं, परमर हैं और एस देसाई हैं। आप चाहें तो इन प्लेयर को अपने ग्रैंड लीग की टीम में शामिल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं क्या हो सकती है हमारी ड्रीमों की टीम। वहीं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन देखोगे तो मैंने यहाँ से दो विकेट कीपर को पिक किया हुआ है, जिसमें सेल्डन जैक्सन है जो कि आपको चार नंबर पर खेलते दिखाई देंगे सौराष्ट्र की टीम की तरफ से। एच देसाई जो कि ओपनिंग करने वाले हैं सौराष्ट्र की टीम की तरफ से। आप यहां से फ्रेंड्स एच देसाई के प्लेस पे रावत के साथ भी जा सकते हैं, भी काफ़ी अच्छे पिक रहने वाले हैं। अगर हमें लगता है कि एच देसाई से अच्छा ए रावत रहने वाले हैं तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। फिलहाल के हम चलिए ए रावत को ही पिक कर लेते हैं। बैटिंग सेक्शन से मैंने तीन बैट्समैन को पिक किया हुआ, जिसे ध्रुव शौर्य हैं जो कि आपको वन डाउन खेलते दिखाई देंगे दिल्ली की टीम की तरफ से। काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं और आपको हार्ड हिटिंग करके दे देंगे। अभी तक फ्रेंड्स कोई भी कन्फर्म न्यूज नहीं है शिखर धवन को लेकर। शिखर धवन इस वाले मैच में खेलेंगे नहीं खेलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर टॉस के बाद प्रोवाइड करा देंगे। बाकी मैंने हिम्मत सिंह को भी पिक किया हुआ है जो कि आप इस वाले मैच में लगभग चार नंबर पर या पाँच नंबर पर खेल तो दिखाई देने वाला। अगर डी जडेजा को ऊपर प्रमोट किया जाता है तो आपको हिम्मत सिंह डायरेक्ट पाँच नंबर पर खेल दिखाई देंगे। अगर फ्रेंड्स नॉर्मल बैटिंग पोजीशन रहता है तो हिम्मत सिंह आपको चार नंबर पर ही खेलते तो दिखाई देने वाले हैं। बाकी आप यहां से वसुधा के साथ जा सकते हैं जो कि आपको सौराष्ट्र टीम की तरफ से चार नंबर पर बैटिंग करते दिखाई देने वाले हैं। मैंने यहाँ से एस व्यास को पिक किया जो कि वन डाउन आएंगे सौराष्ट्र टीम की तरफ से। काफ़ी अच्छे बैट्समैन लगातार अच्छे फॉर्म में भी नज़र आए हैं। आप यहां से एच दलाल को पिक कर सकते हैं जो कि दिल्ली की तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखाई देने वाला है। ये दो पोजीशन है फ्रेंड्स एच दलाल और दूसरा ए रावत का, और थोड़ा रिस्की होने वाला अगर शिखर धवन खेलते हैं। इन दोनों में से कोई एक जो है बाहर आपको दिखाई दे सकता है। ज़्यादा चांसेस है कि आपको इस वाले मैच में अगर शिखर धवन खेलते दिखाई देंगे तो सीधे सीधे एच दलाल आपको बेंच पर बैठते दिखाई देने वाले हैं। बाकी यहाँ से ऑप्शन देखोगे तो आपके पास उतने से पिक नहीं फ्रेंड्स, चाहे स्मॉल लीग के लिए हो या ग्रैंड लीग के टीम के लिए हो। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने तीन ऑलराउंडर को पिक किया हुआ, जिसे नीतीश राणा है जो कि आपको चार नंबर या पाँच नंबर पर खेलते दिखाई देंगे दिल्ली की टीम की तरफ से। इनका जो बैटिंग पोजीशन है फ्रेंड्स यहाँ से हिम्मत सिंह के साथ ऊपर नीचे होते रहता है। अगर हिम्मत सिंह चार नंबर पर खेलेंगे तो आपको नीतीश राणा पाँच नंबर पर खेलते दिखाई देंगे, लेकिन फ्रेंड्स मेरे हिसाब से इस वाले मैच में आपको नीतीश राणा चार नंबर पर और हिम्मत सिंह पाँच नंबर पर बैटिंग करते दिखाई दे सकते हैं। बाकी यहाँ सी जानी है जो कि बैटिंग में तो काफ़ी नीचे आते हैं, लेकिन बॉलिंग के साथ आपको अच्छा खासा पॉइंट अर्न करके दे सकते हैं, इसलिए मैंने इनको पिक किया हुआ। मैं ललित यादव की बात करें, ये आपको बैट और बॉल दोनों के साथ अच्छा परफॉर्मेंस करके देने वाला है। पिछले मैच उन्होंने एक विकेट भी निकाले थे। अगर आप यहाँ से और ऑप्शन देखोगे तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है विजयारायण का, आप इनके साथ जा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से मनकड़ का तो कोई चांस है नहीं कि मैच खेलेगा नहीं खेलेगा। बाकी इनके बारे में कोई भी न्यूज आता है तो हम आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। आपके पास यहाँ से एक और अच्छा ऑप्शन जीव रजनी का, आप इनके साथ भी जा सकते, भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। अगर आप इनको एज ऑलराउंडर पिक करना चाहते तो बिल्कुल ही इनको पिक मत कीजिएगा, ये एज अ बॉलर आप इनको पिक कर सकते हैं। बाकी बॉलिंग सेक्शन से मैंने तीन बॉलर को पिक किया हुआ, जिसमें पवन नेगी जो काफ़ी टच में थे पिछले सीजन। पता नहीं फ्रेंड्स नवदीप सैनी को अभी तक 80% लोगों ने सेलेक्ट कैसे कर लिया है, जबकि वो इस वाले मैच को खेलने वाली नहीं है। अगर आपने इनको भी पिक किया हुआ तो ड्रॉप कर दीजिएगा, ये इस वाले मैच को आपको खेल तो दिखाई नहीं देने वाले हैं। बाकी मैंने जदु नाटो टू पिक किया हुआ है जो पिछले मैचेस में काफ़ी टच में है। वहीं डी जडेजा के आपने देखा होगा इनका परफॉर्मेंस बैट और बॉल के साथ आपको दोनों परफॉर्मेंस दोनों डिपार्टमेंट को अच्छा करके दे सकते हैं। अगर आप यहाँ से ऑप्शन देखोगे तो आपका शानदार ऑप्शन इस भारती का, जैसा कि मैंने आपको उनके रिकॉर्ड भी बताया है। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते तो आप इस भारती को ड्रॉप बिल्कुल ही मत कीजिएगा।
नीचे फ्रेंड्स आपके पास एक शानदार ऑप्शन है सकरिया का। आप चाहें तो इनको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों ही टीम में शामिल कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स आप यहां से बिधुरी को ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, डगर को भी ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा। अगर आप हमारा फाइनल टीम देखोगे तो हमारा फाइनल टीम है जिसमें ए रावत है, एस जैक्सन है, ध्रुव सौर है, हिम्मत सिंह है, एस व्यास है, नीत राणा है, ललित यादव है, सीजानी है, डी जडेजा है, जितु उनाटका, पवन नेगी है। कोई भी फ्रेंड्स चेंजेस होता है तो हम आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर करते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जिसका लिंक हमने आपको नीचे प्रोवाइड करा रखा है, आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हम अपने जो कैप्टन वाइस कैप्टन है आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते ही रहते हैं, इसलिए आपका हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको जो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ड्रीम टीम के साथ में।